हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सॉटेड गार्लिक जुकीनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पैन में तेल गरम कर लिया है, अभी इसमें जुकीनी की स्लाइसेस डाल देंगे। मैंने येलो जुकीनी ली है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं। फ्लेम हाई पर रखेंगे और जुकीनी को एक एक मिनट के लिए दोनों साइड से सॉटे कर लेंगे। दोनों साइड से ये क्रिस्प हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में एक टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे और उसे थोड़ी देर भून लेंगे। फ्लेम धीमी आंच पर ही रखी है। अभी इसमें एक टीस्पून तिल भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल और हरी शिमला मिर्ची और एक हरी मिर्ची जिसे लंबा काट लिया है और थोड़ा सा रफली कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन भी डाल दिया है। फ्लेम स्लो पर ही है, अभी इसे 2-3 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। तीन मिनट तक मैंने इसे सॉटे कर लिया है, अब इसमें जुकीनी भी डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा ऑरेगानो और चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे और फिर आधा नींबू का रस भी डाल देंगे। हल्के हाथों से थोड़ा चला लेंगे। ये तैयार हो चुका है, फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए, सॉटेड गार्लिक जुकीनी तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।